अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। क्या बोलती है पब्लिक? अस्सलाम वालेकुम अफान भाई। अफनान भाई का ये बकरा है जो मेरे यहाँ पर पलाई पे आया हुआ था, और डिटेलिंग में अपन आगे बात करेंगे। ये कुर्बानी का बकरा, ये सेल के लिए नहीं है, ये इनके घर के कुर्बानी का बकरा है, ये बात क्लियर कर दूँ। तो अफनान भाई, आपने बकरा कब दिए थे मेरे पास? 3 महीने पहले दिया था। 3 महीने पहले मतलब अप्रैल की 5 या 6 तारीख को आया था बकरा। क्या वज़न पे दिए थे? 46। अभी तुमने वज़न किए इसका? हाँ। कितना किए? 57 आ रहा है। और 57 आ रहा है? हाँ। तो कितना केजी बढ़ गया इसमें? 46 और 57 मतलब 11 केजी। तीसरा महीना चालू है अभी। हाँ। तो बकरे में और कुछ है डिफॉल्ट या कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाया था बकरा। शर्माओ मत। बकरा बीमार था भाई। अच्छा, लाया था मैंने। हाँ। भी बकरा माशाल्लाह 11 किलो बड़ा है। आरके गोट फार्म का रिजल्ट बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, जजाक अल्लाह खैर। लेकिन बकरे के दूसरा पैर में कैंची मार रहा है या सींग? आपने मेरे को बोले थे भाई सींग पे पाइप संभालना। भाई सींग संभालना, मैंने क्या बोला था? मैंने केजी उस तरीके से बनाया हूँ कि सींग डैमेज नहीं करेगा। तो वो सींग संभालने का, सींग में डैमेज आया आपके बकरे में या कोई भी है? कुछ भी नहीं आया, एकदम फिट एंड फाइन है। और बीच में बकरे के यहाँ पर कुछ जख्म था तो मैंने वीडियो, जख्म भी हो गई थी लेकिन फैसल भाई ने क्लियर कर दिया। मैंने डाला और तुम तभी डर गए थे, बोले भाई मेरे बकरे को क्या हुआ है? तो मैंने बोला कुछ नहीं है, एक जख्म है जो नीचे है, सूख गई है, उसका क्लीन करके मैं तुम्हारे को वीडियो भेज रहा हूँ। तो डरने की कोई बात नहीं है इसके अंदर। बकरे के पैर में कोई फॉल्ट है? मैं दूसरी बार आया हूँ ये बकरा देखने, लेकिन मेरे को माशाल्लाह बहुत पसंद। 15 दिन पहले क्या वजन था ये? 15 दिन पहले ये 52 आ रहा था। 52 या 53 केजी आ रहा था। और अभी तुमने वजन किया 57 है, और ये अपन रात के 8 बजे तभी वजन कर रहे। तो बकरा खाया पिया भी अच्छा है, और वो टाइम दाना हुआ है बकरे, आधा दाना हुआ आधा बचा हुआ है, और बकरा एग्रेसिव भी हुआ है। पहले कैसा था? बहुत गर्म था, पहले लाया था बकरा बीमार था, एकदम ठंडा था। वो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि तुम बकरा देख के बहुत ज्यादा खुश हो और तुम्हारे को मजा आ रही है। और तुम्हारे दोस्त लोग भी है, वो बोल रहे हैं क्या भाई सही में बकरा बहुत अच्छा हुआ। ये हमारे लिए ना एक अवार्ड की तरह होता है। नहीं, देखो भाई, आप लोग की मेहनत है, आपके टीम की मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग जो हमारे मेहनत करते हैं, जो मेरा स्टाफ है, मेरे भाई लोग हैं, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिर्फ खड़ा रहता हूँ। तो भाई आपका ही नाम है पूरा। नाम कुछ नहीं है, मैं खड़ा रहता हूँ, मेहनत करने वाले वो लोग ही है, तो वो लोग ये देख रहे हैं। और बकरा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, एग्रेसिव है और अच्छे पोजीशन पे जा रहा है। तो इंशाल्लाह ये साल कुर्बानी होगी इसकी, ये साल कुर्बानी करेंगे ना इसकी। हाँ, तो ये ईद के टाइम पे आप जब लेके जाओगे ना इसको, तो तभी भी अपन एक वीडियो बनाएंगे, एक सेंड ऑफ वीडियो बनती है, एक शॉर्टली। अभी आप आए रेंडमली, आपने मेरे को फ़ोन किया, सरप्राइज़ है, ऐसा है क्या? ये नहीं है आप मैं खाली बोला था 2 दिन पहले कि मैं आऊँगा, लेकिन इसके पहले भी आप आए थे तो संडे नहीं, दूसरे दिन था, मंडे के दिन आए थे, मंडे के दिन। तो तभी भी हमारे यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है आने के लिए। आने के साथ में ऐसा है कि मैं तुम्हारे को हमेशा देख के शौक खा लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त है रत्नागिरी में रहता है, जिसने जुमान बकरा लेके रखा है, दोनों का चेहरा मिलता है, तो वो देख के मैं ना थोड़ा बहुत है ना शौक हो जाता हूँ। तो खैर है, चलो वो बकरा भी रुकना नहीं चाह रहा है, तो अल्लाह हाफिज़ करते हैं सबके सामने। तो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फरमा बरदार बनो, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया पॉल्यूशन फ्री इंडिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।